जय श्री राम। मित्रों मैं आज आप सबको धनतेरस 2022 के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आप सबको इसमें कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताऊंगा जिसका उपयोग करके आप माता लक्ष्मी को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। मित्रों धनतेरस पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन तमाम तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ आसान से टिप्स से ही माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो सकती है। जी हाँ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन वर्षा होने लगेगी। धनतेरस के दिन आप अपने घर में कुमकुम जरूर खरीद कर लाएं। इसके बाद उसे माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। खुद भी उस कुमकुम का तिलक लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और जीवन को धन धान्य से भर देती है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह जरूर खरीद कर लाना चाहिए। इससे घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह लगाने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है, क्योंकि यह उन्हें घर में आमंत्रित करने का निमंत्रण होता है। लेकिन ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह की आरती जरूर कर लें। इसके साथ ही माँ से घर में वास करने की प्रार्थना करें। धनतेरस के दिन दीप जलाने की परंपरा शुरू हो जाती है, इसलिए इस दिन 5 रुपये का एक दीपक खरीद कर लाएं और रात्रि का भोजन करने के बाद उसे दक्षिण की ओर मुख करके जलाएं। लेकिन ध्यान रखें, इसे जलाने के बाद इसे पीछे मुड़कर नहीं देखें। मान्यता है कि यह दीपक अकाल मृत्यु से बचाकर घर के लोगों को निरोगी रखता है। धनतेरस के दिन साबुत धनिया जरूर खरीद कर लाएं। इसके बाद इसे माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद लक्ष्मी माता और भगवान धनवंतरी के सामने घी का दीपक जलाकर आरती कर लें। फिर माता के चरणों में धनिया अर्पित कर दे और आरती के बाद धनिया को प्रसाद स्वरूप घर के सभी सदस्यों में बांटें। धनतेरस के दिन धनिया, दीपक, पद चिन्ह और कुमकुम की ही तरह बताशा खरीदना भी अत्यंत जरूरी होता है। मान्यता है कि यह माता लक्ष्मी का प्रिय भोग है, लेकिन ध्यान रखें कि रंगीन बताशा ना लें, बल्कि सफेद बताशा ही खरीदें। इसके बाद इसे माता लक्ष्मी को अर्पित कर दे। इसके साथ ही माता से प्रार्थना करे कि हे माँ, उनकी कृपा आपके जीवन पर बनी रहे। ऐसी माता से प्रार्थना करे, हे माँ हमारे घर में वास करो और हमें हमारे जीवन से सारे रोग दुख कष्ट को दूर करो और हमारे जीवन को धन धान्य से भरपूर कर दो। मित्रों यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के बारे में रेगुलर बेस पर वीडियो लेकर आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। धन्यवाद।